हेलो एवरीवन वेरी चेयरफुल वेलकम टू माय चैनल बायो क्रियो अकेडमी आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं हूं यशस्वी व्यास ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल होने वाला है जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड अगर आप जोलॉजी या बॉटनी से बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं तो आप ईजिएस्ट मेथड्स के साथ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे इफ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम में जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके सो इंस्पायर मी विद योर सपोर्ट एंड सब्सक्रिप्शन एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड सो लेट्स बिगिन आज हम बात करने वाले हैं क्लासीफिकेशन के बारे में क्लासिफिकेशन एक ऐसा एरिया है जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानते हैं बिकॉज़ ये पार्ट थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है एंड नॉट ईजी टू रिमेंबर होता है बट बिलीव मी गाइज जिस तरह से आज हम पढ़ेंगे आई एम श्योर आप इस एरिया को ईजीली लर्न कर पाएंगे एंड ये एरिया आपके बी एस सी एम एस सी दोनों ईयर में आता है एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड आज हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे एंड आगे आने वाले वीडियो में हम पॉलिफेरा सिलेंट्रिटा एंड अदर फाइलम्स के बारे में बात करेंगे सो so, आज का वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए प्रोटोजोआ दीज आर द स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक प्रमेटिव ऑर्गेनिजम्स ओके ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड प्रिमेटिव होते हैं इसका मतलब क्या है इनकी जो बॉडी साइज़ होती है इतनी छोटी होती है कि इसको आप इजीली अपनी नेक्ड आइस से नहीं देख सकते इसलिए इनको माइक्रोस्कोपिक एंड स्मॉल कहा गया है प्रमेटिव ये क्योंकि इन ये जो है बहुत ही लेस एडवांस्ड होते हैं इसलिए इनको प्रमेटिव कहा गया है नेक्स्ट देखिए इनकी बॉडी यूनी होती है यूनीलुलर का मतलब दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं मल्टी एंड यूनीलुलर यूनीलुलर मतलब कि जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल से मिलकर बनी होती है मोनोमॉर्फिक एंड डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है मोनोमॉर्फिक का मतलब होता है सिंगल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस एंड डाइमॉर्फिक मीन्स लार्ज न्यूक्लियस जिसको कि मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है एंड अदर वन इज़ माइक्रो न्यूक्लियस जो कि सिंगल न्यूक्लियस होता है अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इसको तो देखिए ये इस तरह से होता है जैसे कि इस तरह से जस्ट वेट ये ये एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है एंड एक जो होता है ये एक माइनर न्यूक्लियस होता है ओके okay? ये जो आपको लार्ज साइज में दिख रहा है दैट इज़ मैक्रो न्यूक्लियस एंड जो आपको स्मॉल साइज दिख रहा है दैट इज़ माइनर या फिर माइक्रो न्यूक्लियस ओके तो इनकी जो बॉडी होती है डायमॉर्फिक न्यूक्लियस से भी मिलकर बनी हो सकती है या फिर मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस से भी मिलकर बनी हो सकती है फाइन नाउ देखिए नेक्स्ट इज सॉलिट्री कोलोनियल फ्रेश वाटर एंड पैरासिटिक सॉलिट्री का मीनिंग होता है सॉलिट्री मीन्स ये जो है अपनी जगह पर सिंगल मतलब सिंगल फॉर्म कहते हैं सिंगल जगह पर अपनी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कॉलोनियल मीन्स ये कॉलोनी बन सॉरी कॉलोनी मीन्स ये कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं एंड ये पैरासिटिक होते हैं पैरासिटिक मीन्स uh, जो है दूसरे की बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट बॉडी सिमेट्रिकल बायोलेट्रल रेडियल एंड स्फेरिकल बॉडी सिमेट्री के बारे में आई होप आप जानते होंगे बायोलेट्रल सिमेट्री वो होती है अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप बीच से कट करते हैं तो उसका जो ए उसकी जो बॉडी होती है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है लाइक ह्यूमन बींग हम अपना खुद का एग्जाम्पल लेके देखते हैं अगर कोई लाइक दिस इज ये जैसे लाइक like ये हम हैं ओके okay? अगर आप हमारी बॉडी को बीच से कट करेंगे तो हमारी बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है ओके okay? तो इस चीज़ को बोला जाता है बायोलिटल सिमेट्रिकल रेडियल का मतलब होता है आप कहीं से भी किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है ओके स्फेरिकल मीन्स स्फेयर जैसे इनमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है नेक्स्ट देखिए बॉडी नेक्ड बाउंडेड पैलिकल और बाउंडेड बाय पैलिकल और समटाइम्स कवर्ड बाय केल स्पाइन मीन्स अभी जब मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में रिलेट किया था इनकी बॉडी नेक्ड होती है मतलब कि अब इजीली इनको सिंगल आई से नहीं देख सकते हैं एंड बाउंडेड बाय पैलिकल इनकी जो पूरी बॉडी सरफेस होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन पर एक थिन क्यूटिकल प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन ओके जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फाइन एंड एंड समटाइम्स इनकी जो बॉडी होती है उस पर स्पाइंस प्रजेंट होते हैं स्पाइंस की मैं बात करूँ लाइक छो छोटे छोटे अब मैं सिंपल की बात करूँ तो छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होती है ओके जिस तरह से आप डायग्नोस में देख सकते हैं ये इनके माइक्रोस्कोपिक है, स्ट्रक्चर्स हैं ओके जो कि आप इनको नेक्ड आई सिंपल आई से नहीं देख सकते नेक्स्ट पॉइंट लोकोमोशन बाय सीलिया फ्लैजिला एंड सोडोपोडिया इनमें जो लोकोमोशन होता है वो सीलिया फ्लैजिला एंड सोडोपोडिया की हेल्प से होता है लोकोमोशन का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना फाइन तो सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं उनको सीलिया एंड फ्लैजिला कहा जाता है सोडोपोडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा ये भी एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है सोडोपोडिया लाइक अमेबा की अगर हम बात करें अमेबा के बारे में आप स्टार्टिंग से आई होप पढ़ते आए होंगे तो जो अमीबा होता है जब उसके सामने कोई फूड होता है तो वो इस तरह से एक फिंगर लाइक अपियरेंस ले लेता है ओके okay? ये सिंगर लाइक अपियरेंस जो होती है दैट इज कॉल्ड सूडोपोडिया तो इस तरह से इनमें और इन उस तरह से ये जो है फूड को ले पाता है ठीक तो है तो नेक्स्ट देखिए अब लोकोमोशन बाय सीलिया फ्लैजिला एंड सूडोपोडिया नेक्स्ट एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस एंड एमोनोटोलिक एमोनोटेलिक मेनली जो वाटर में जो एनिमल्स होते हैं वो एमोनो टेलिक होते हैं क्योंकि वो एमो एमोनिया को सिक्रीट करते हैं एंड जिनका जो एक्सक्रेशन होता है नॉर्मल बॉडी सरफेस के थ्रू भी हो सकता है नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन बाय अ सेक्शुअल बाइनरी फिजन एंड बर्डिंग बाइनरी फिजन वही है जब एक पेरेंट सेल दो में डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यजन मतलब में हम कहना चाहें तो ये पेरेंट सेल है एंड दिस आर दी डॉटर सेल पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स टू इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है तो उसको कहा जाता है बाइनरी फिजन फाइन नेक्स्ट देखिए और सेक्शुअल होलोगेमी एंड सिंगेमी प्रोसेस के थ्रू भी इनका जो है रिप्रोडक्शन होता है होलोगेमी का मतलब होता है जो इनमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं वो सेम साइज़ एंड सेम शेप के प्रेजेंट होते हैं ओके okay? मतलब कि मैं सिंपल बात करना चाहूँ तो आप इनकी सोमेटिक सेल एंड गैमेट्स को ईजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं उसको कहा जाता है होलोगेमी सिनगेमी का मतलब होता है जब टू हेपलोड गैमेट्स दो डिप्लोइड साइग्स में फॉर्म होते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिनगेमी लास्ट पॉइंट जो है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन आर फाउंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन के बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में बट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ सेक्शुअल और असेक्शुअल फेज़ इनमें प्रेजेंट होती है उस चीज़ को बोला जाता है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन नेक्स्ट देखिए इनमें जो है अब हम इसके बारे में क्लासिफिकेशन डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले ये जो है इसके ये सारे जो हैं इसके फाइलम्स हैं ओके सार्कोमेस्टिगोफोरा स्पोरोजोआ निडो एंड सीलियो स्पोरा जब हम बात करते हैं इस अभी तब लास्ट में आपको पूरा मैं समप करके बताऊंगी जिससे कि विद ट्रिक्स के साथ ताकि आप इजीली इसको याद कर पाएंगे तो इसके चार प्रोटोजोआ के चार सब फाइलम होते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा स्पोरोजोआ निडो एंड सीलियो स्पोरा, ओके तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए लोकोमोटरी ऑर्गन वही सूडोपोडिया और फ्लैजला जो कि मैंने आपको बताया था सार्कोमेस्टिकोफोरा में होता है नेक्स्ट इज इस इस्पोरोजोआ इस्पोरोजोआ में जो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं नेडोस्पोरा में एब्सेंट होते हैं एंड सीलो में सीलिया प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट देखिए है। सार्कोमेस्टिकोफोरा में हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये मेराइन हो सकते हैं फ्रेश वाटर हो सकते हैं एंड पैरासिटिक हो सकते हैं इस्पोराजो मेनली जो एक्सक्लूसिवली ये एंडोपैरासाइट होते हैं मतलब कि बॉडी के इनर साइड में मतलब एक, एक एक्टोपैरासाइट होते हैं और एक एंडो होते हैं एक्टोपैरासाइट जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं एज ए पैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर एग्जस्ट करते हैं नेक्स्ट इज ये एंडोपैरासाइट होते हैं एंड फ्रेश वाटर या पैरासिटिक हो सकते हैं नेक्स्ट बात करें हम न्यूट्रिशन की तो न्यूट्रिशन इनमें होलोजोइक, हेलोजोइक सॉरी हेलोफाइटिक एंड पैरासिटिक हो सकता है एंड इस्पोरोजो में ये पैरासिटिक होते हैं नीडो में भी पैरासिटिक होते हैं एंड में ये होलोजोइक एंड समस्टाइम्स पैरासिटिक होते हैं स्पोर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें इनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है इट इज़ स्पोर फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन तो सार्कोमेस्टिगोफोरा में ये एब्सेंट होते हैं स्पोरोजोआ में ये प्रेजेंट होते हैं सॉरी नेडोस्पोरा में ये प्रेजेंट होते हैं विद पोलर फिलामेंट्स पोलर फिलामेंट्स जो है के केवल्व जो होते हैं उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है एंड सीलियो में ये एब्सेंट होते हैं नेक्स्ट हम बात करें अब हम बात करते हैं सार्को मेस्टिको फोरा के बारे में डिटेल में वन बाय वन ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ ये अप टू ऑर्डर तक है एंड बी एस सी एम एस सी दोनों ईयर में जो है आपको फुल डिटेल में ऑर्डर्स के साथ में पढ़ना होता है मैं आपको जो प्रोसेस बता रही हूँ इनको लर्न करने का लास्ट में आपको मैं आप ये ट्रिक्स के साथ बताऊँगी एंड ये मैं कंपेटिव स्टडी के साथ बता रही हूँ जिससे आप इजीली इसको याद कर पाए फर्स्ट तो देखिए सार्कोमेस्टिगोफोरा में सब फाइलम ये तीन सुपर फाइलम्स में डिवाइड होता है फर्स्ट इज मेस्टिगोफोरा ओपेलिनेटा एंड सार्कोडिना सार्कोडिना फर्स्ट की अगर हम बात करें मेस्टिगोफोरा दिस इज सिंपल प्रिमेटिव एंड कवर्ड बाय पैलिकल लाइक देख रहे हैं आप दिस इज द एग्जाम दिस इज द डायग्राम ऑफ ओपेलिना ये देखिए इनकी जो पूरी बॉडी दिख रही है आपको इनकी पूरी बॉडी पर जो है एक पेलिकल की मेम्ब्रेन होती है ओके नेक्स्ट देखिए इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं ये जो देख रहे हैं आप ये दीज आर दी हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीलिया और फ्लैजिला मेनली जो छोटे छोटे फिंगर लाइक अपरेंस होती है देखते सीलिया एंड फ्लैजिला भी इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक होता है इन हीट्रोट्रॉफिक होता है ओबेली की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो है कवर्ड बाय न्यूमरस फ्लैजिला इनकी बॉडी देख रहे हैं आप इनकी जो पूरी कंप्लीट बॉडी है ये कंप्लीट बॉडी जो है इनकी पूरी फ्लैजिला से सॉरी फ्लैजिला से कवर्ड हो रखी है जस्ट सेकेंड इनकी जो कंप्लीट बॉडी आप देख रहे हैं ये इससे इस कवर्ड हो रही है देख रहे हैं आप ये फ्लैजिला से ओके okay? ये पैरासिटिक होते हैं इन फ्रॉग एंड टेडपोल में टेडपोल एंड फ्रॉग में ये पैरास्टिक फॉर्म में होते हैं मतलब कि कि फ्रॉग और टेडपोल के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं लाइक like इनमें एग्जांपल होता है ओपेलिनेटे का ओपेलिना नेक्स्ट बात करते हैं हम सार्कोडिना की सार्कोडिना में जो है इनकी जो बॉडी अमीबॉइड अमीबॉयड होती है अमीबॉयड होती है एंड कवर्ड बाय पैलिकर इनमें जो मूवमेंट होता है वो सूडोपोडिया के थ्रू होता है एंड होलोजोइक एंड सेप्रोजोइक इनमें नूट, वो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं मेस्टिकोफोरा अभी देखिए अभी हमने मेस्टिकोफोरा के सबसे पहले कंफ्यूज मत होइएगा सबसे पहले हमने देखा प्रोटोजोआ के बारे में प्रोटोजोआ चार सब फाइलम्स में डिवाइड होता है सार्कोमेस्टिकोफोरा स्पोरोजोआ नीडो एंड सीलियो तब सार्कोमेस्टिकोफोरा जो सब फाइलम है उसको हमने सुपर फाइलम में डिवाइड किया मेस्टिकोफोरा ओपेलिनेटा एंड सार्कोडिना अब हम बात करते हैं मेस्टिकोफोरा की दैट इज ओके okay? मेस्टिकोफोरा की मेस्टिकोफोरा क्लास दो क्लास में डिवाइड होता है फर्स्ट इज फाइटोमेस्टिकोफोरा एंड जो मेस्टिगोफोरा नाम से पता पता चल रहा है जैसे कि इसमें फ़ाइटो फाइटो मतलब कि लाइट लाइट मतलब कि प्लांट्स देखें अपने सभी ने देखे हैं प्लांट्स ठीक है जो प्लांट्स में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन वो जो जो ग्रीन कलर जो प्लांट्स में होता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही होता है जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं फाइटो तो इनमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जोमेस्टिकोफोराम में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है ओके okay. फाइटोमेस्टिगोफोरा में ये होलोफाइटिक होता है इनमें न्यूट्रिशन एंड ऑडोड्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्रेजेंट होता है जोमेस्टिगोफोरा में ये होलोजिक न्यूट्रिशन में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट लास्ट देखिए इनमें जो रिज़र्व फूड होता है दैट इज़ पैरामलॉन इनमें जो रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है मतलब कि ये जो फूड स्टोर कर पाते हैं ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं एंड ये जो है फाइटोमेस्टिगोफोरा पैरामलॉन की फॉर्म में फूड को रिजर्व कर पाते हैं नेक्स्ट देखिए ये भी हमने मेस्टिगोफोरा की दो क्लासेस पढ़ी फाइटो एंड जो मेस्टिगोफोरा अब हम क्लास के बाद में ऑर्डर किस किसका नंबर आता है ऑर्डर का अब हम बात करेंगे ऑर्डर की तो देखिए फाइटो मेस्टिगोफोरा मेली इसमें चार ऑर्डर होते हैं वैसे इनमें काफ़ी सारे फाइव टू तो सिक्स ऑर्डर प्रेजेंट होते हैं बट आप मिनिमम चार ऑर्डर भी याद कर सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे इनके पिक्स लगाइए जिससे कि आप इजीली इनको रिलेट कर पाएँ फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट देखिए क्रिप्टोमोनेडिना इसमें ये इनकी बॉडी जो होती है बहुत स्मॉल एंड थिल पैलिकल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है एक से तीन फ्लैज में प्रेजेंट होते हैं एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें क्रिप्टोमोनास प्रेजेंट होता है ओके नेक्स्ट देखिए यूकलिन यूक्निडा इनकी जो इसमें आपने सभी के सभी ने पढ़ा होगा यूकलिना का एग्जांपल जिसका जो अपीयरेंस होता है इनकी बॉडी जो है ये आप नॉर्मल स्लीपर देखें आप नॉर्मल स्लीपर की तरह होती है ओके यूकलिनिडा लार्ज थिक पैलिकल होती है इनमें एंड इन वन टू टू फ्लैजिला ये देख रहे हैं आप इन इसमें ये जो देख पा रहे हैं आप ये दिस इज़ ये जो, जो फ्लैजिला निकला हुआ है ओके दिस इज़ फ्लैजिला इनमें एक से दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसका एग्ज़ाम्पल है युगलिना थर्ड देखिए वॉल्वोसिडा वॉल्वोसिडा स्मॉल थिक कवरिंग ऑफ सेल्यूलोस ये बहुत ही छोटे होते हैं एंड इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो सेल्यूलोस से कवर होती है ओके इनमें जो है क्रोमेटोफोर्स एक होता है एंड ये ग्रीन होते हैं ओके इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ये वॉलवॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास इसमें प्रेजेंट होते हैं ये जो आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं इनकी एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट फोर देखिए डाइनोफ्लैजीडा इनकी बॉडी स्मॉल नेग्ड एंड थिक सेल्यूलोर्स कवरिंग होती है एक क्रोमिटो इनमें येलो होता है एंड बायोलुमिनेसेंस इनमें प्रेजेंट होता है इसका एग्जाम्पल है नाक्टी ल्यूका ओके अगर आप इनके एग्जाम्पल गूगल्स पे सर्च करें तो और ज़्यादा बेटर है बिकॉज फ्री कॉपीराइट इमेजेस हम फ्री कॉपीराइट इमेजेस ही हम यहाँ पर ले सकते हैं आप जो है कॉपीराइट इमेजेस भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए ऑर्डर ऑफ ज़ूमेस्टिगोफोरा ज़ूमेस्टिगोफोरा में देखिए राइजोमेस्टिजिडा काइनेटोप्लेस्टिडा एंड कोयनोफ्लैजिटा एंड ट्राइकोमोनेटिडा राइजोमेस्टि जिडा की अगर हम बात करें तो स्मॉल फ्रेश वाटर होते हैं एक से चार फ्लैज में प्रेजेंट होते हैं मेस्टिका अमीबा डाईमोरफा इसका एग्जाम्पल है काइन काइनिटो प्लास्टिडा वन टू वन टू फोर फ्लैजलाइन में प्रेजेंट होते हैं एग्जाम्पल है इनका लीश मैनिया ट्रिप्टोमोनाज एंड बोडो ओके नेक्स्ट देखिए कोयनो वही सिंगल फ्लैज में प्रेजेंट होता है सराउंडेड बाय कोलार एंड एग्ज़ाम्पल इसका आप देख सकते हैं प्रोटोस्पोंजिया होता है जो कि कनेक्टिव लिंक होता है प्रोटोस्प प्रोटोजोआ एंड इस्पोंज का स्पॉन्ज आप जानते हैं पोरीफेरा में पोरीफेरा के कैटेगरी में आते हैं लास्ट देखिए ट्राइकोमोनेजिडा इनमें फोर टू तो सिक्स फ्लजिला इनमें प्रेजेंट होते हैं निपेरासाइट होते हैं इन दी वर्टी ब्रिड एग्जाम्पल्स देखिए इसमें ट्राइकोमोनास ये देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पे पिक पेस्ट किया हुआ है ट्राइकोमोनास का इस तरह से इनका अपियरेंस होता है जी दिस इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ जो मेस्टिको फोरा ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें अब सार्कोडीना सार्कोडीना में देखिए सार्कोडीना को राइजोपोडा के नाम से भी जाना जाता है डोंट वरी गाइस लास्ट में हम चीज़ों को इतने इस तरह से समअप करेंगे मैं ट्रैक्स के साथ में आपको बताऊंगी जिससे कि आप इजीली इसको लर्न कर पाएंगे देखिए अब सार्कोडिना इसका अनदर नेम होता है राइजोपोडा फर्स्ट राइजोपोडिया देखिए तीन सब क्लास सॉरी तीन क्लासेस में डिवाइड है सार्कोडिन राइजोपोडिया एक्टिनोपोडिया एंड पीरोप्लाजमिया इनमें जो सूडोपोडिया होता है ए, लोबोपोडिया एंड फाइलो... फाइलोपो फाइलोपोडिया और डेटिक्यूलो पोडिया के प्रेजेंट की, की अपीरेंस में होता है जैसे कि मैं बात करूं कि जो लोबोपोडिया होता है इनमें जो सोडोपोडिया होता है लोब लाइक प्रेजेंट होता है इसलिए इसको लोबोपोडिया कहा गया है फाइलोपोडिया एंड रेड रेटिकुलोपोडिया भी सोडोपोडिया के एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट हम ने बात करें एक्टिनोपोडिया इनमें जो एग्जोपोडिया होता है वे एग्जिल की टाइप से प्रेजेंट होता है मतलब कि इनमें के इंटरनल फ्लैजिला होता है जो कि एक्जिल फिलामेंट से मिलकर बना होता है फाइन लास्ट देखिए पीरोप्लाज्मिया ये जो है पैरासाइट होते हैं इन द आरबी सी ऑफ वर्टी ब्रेड एग्ज़ाम्पल इनमें आता है बेबेशिया इसका मैंने यहाँ पर डायग्राम पेस्ट कर रखा है आप देख सकते हैं ये सारे जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं इसलिए आप इजीली इनको इनके बारे में मतलब अपीरेंस जो है इनकी लगभग सिमिलर ही होती है सबकी नेक्स्ट देखिए राइजोपोडिया राइजोपोडिया के तीन ऑर्डर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोबोपोडिया फिलोपोडिया और टेटी क्यूलोपोडिया मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली ऑर्डर को मेंशन नहीं किया है बट मेनली लोबोपोडिया में सॉरी लोबोपोडिया में जो राइजोपोडिया है उसकी जो लोबोशिया तीन क्लास होती है इनमें लोबोशिया फिलोशिया एंड रेटी क्यूलोशिया फाइन तो लोबोशिया जिसके सब क्लास है उसमें ही अमीबा एंड आर्सिला आता है जिस इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है तो लास्ट देखिए राइजोपोडिया जिसमें कि अमीबोइडिया एंड आर्सी आरसी आता है तो अमी इनमें इनकी जो अपेयरेंस होती है वो अमीबॉडी लाइक -like होती है एंड नेक्ड बॉडी होती है वही नेक्ड बॉडी जिनको आप इजीली अपनी आई से नहीं देख सकते विदाउट स्केलेटन विदाउट स्केलेटन एंड ये फ्रेश वाटर होते हैं एंड फ्री लिविंग होते हैं एंड पैरासाइट होते हैं ओके अमीबा एंड एंडामीबा ये जो है इनमें प्रेजेंट होता है एंटािबा एक डिजीज़ कॉस करता है एंटामिबा हिस्टोलाइटिका डिजीज़ कॉज करता है अमीबा का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं शुरू से आप पढ़ते आ रहे होंगे इनका जो अपीयरेंस होता है ये बिल्कुल इस तरह से टेढ़े मतलब इनकी जो ये मैं आपको बताना चाहूँ तो इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं अभी मैंने लास्ट पिक्चर में भी आपको किसी में दिखाया था स्टार्टिंग में ओके तो देखिए ये देख सकते हैं आप इनकी कोई यूनिफॉर्म फॉर्म इनकी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है एंड दिस इज द स्टोलाइटिका ये जो आप देख सकते हैं नेक्स्ट हम बात ये नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्सिलिनिडा आर्सिलिनिडा में ये, ये इनकी जो बॉडी होती है कवर्ड बाय स्केलेटन एंड ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं एग्जाम्पल इसका आर्सिला होता है ये देख सकते हैं आप नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिनोपोडिया ओके okay? एक्टिनोपोडिया में वही चार सब क्लासेज हैं फर्स्ट इज हेलियोजोआ रेडियोलेरिया एकेंथेरिया एंड प्रोटिमिक्सिडिया इन सब के एग्जाम इन सब की जो पिक्चर्स है ईजीली गूगल पे फ्री कॉपीराइट नहीं मिल पाती है इसलिए मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पाई हूँ बट ऑल द अप इज़िली इनको गूगल पे देख सकते हैं हेलियोजोआ इनकी बॉडी स्फेरिकल होती है नेक्ड बॉडी होती है इनमें स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं स्पाइंस का मतलब होता है एक कांटे कांटे ये जो आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से ये कांटे इनमें प्रेजेंट हुए ओके तो देखिए हेलियो हेलियोजोआ में ये प्रेजेंट होते हैं एग्जाम्पल है इसका एक्टिनो फायरस एक्टिनो फायरस का जो मैंने यहाँ पर पे पेस्ट किया हुआ है यू कैन सी ईजिली नेक्स्ट रेडियोलेरिया इनका जो स्केलेटन होता है वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स से मिलकर बना होता है मतलब मेड बाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड फाइन इनकी बॉडी प्रेजेंट होती है इनमें इनका जो एग्जांपल है ये है थैलीशियोला नेक्स्ट इज एकेंथेरिया इनकी जो बॉडी होती है इनका जो स्केलेटन होता है स्टॉनशियन सल्फेट का बना होता है मतलब एक सॉल्ट होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट पाउडर उससे ये मिलकर बना होता है लास्ट इज़ प्रोटियोमिक्सिडिया ये जो है पैरासाइट होते हैं इन द एलगी एलगी में ये पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एग्जाम्पल है इनका स्पोरा नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट क्लास के बारे में हम बात करेंगे स्पोरोजोआ फाइन हमने स्टार्टिंग में जो है इन फिर लास्ट में आपको मैं इनको समअप करूँगी नेक्स्ट देखिए स्पोरोजोआ स्पोरोजोआ की क्लासेस है टीलो इस्पोरा एंड हेप्लोस्पोरा एंड अनदर वन इज टोक्सोप्लाजमिया इंदर टीलोस्पोरा लोकोमोशन बाय ग्लाइंडिंग मूवमेंट ग्लाइंडिंग मूवमेंट क्या होता है मैं आपको जैसे कि कोई फ्लैट सरफेस है बोन्स का कोई फ्लैट सरफेस है अगर मैं आपको समझाना चाहूँ लाइक दिस इज़ योर हैंड ओके अगर आप इसको इधर एंड इधर मूव करवाते हैं बार बार में इधर 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 इस तरह से आप मूव करवाते हैं देट इज़ ग्लाइंडिंग मूवमेंट ओके तो इस तरह से इनमें लोकोमोशन प्रेजेंट होता है स्पोर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं विदाउट फिलामेंट फाइन इनमें जो स्पोर्स होते हैं विदाउट फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं सेक्शुअल एंड असेक्शुअल प्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज हेप्लोस्पोरिया वही इनमें असेक्शुअल प्रोडक्शन प्रेजेंट होता है स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड पैरासिटिक इन इनवर्टिब्रियस एंड वर्टिब्रेड्स ये वर्टिब्रेड्स एंड इनवर्टिब्रेड्स में पैरासिटिक फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका इक्ो इस्पोरिडियम लास्ट हम बात करते हैं इसके टोक्सोप्लाजमिया की इनमें स्पोर्स एबसेंट होते हैं ये थोड़ा मिस्टेक हो गई बट दिस इज एब्सेंट ओके इनमें स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं ओनली अ सेक्शुअल इज प्रेजेंट फाइन हेप्लोस्पोरिया में असैक्सुअल प्रोडक्शन प्रेजेंट होता है बट इन द केस ऑफ टोक्सोप्लाजमिया ओनली असेक्सुअल प्रोडक्शन विल बी प्रेजेंट एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ द टोक्सोप्लाजमिया इज इंट्रासेलुलर पैरासाइट इन मैमल्स एंड बर्ड्स ये मैमल्स एंड बर्ड्स में इंट्रासेलुलर पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एग्जाम्पल है इसका टोक्सोप्लाजमिया नेक्स्ट ये जो प्लाज्मोडियम है इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा प्लाज्मोडियम का बट ऑल द मैंने इसको यहीं पे पेस्ट किया है यू कैन सी इजीली, एंड दिस इज द टोक्सो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इज टीलो इस्पोरा ओके ये जो हमने यहाँ पर टीलो इस्पोरा पढ़ा था इसका ही यहाँ पर इसकी सब क्लासेज है ग्रीगेन एंड कोकेडिया फाइन ये जो ग्रिगिनिया है ये पैरासाइट होता है इनवर्टिब्रेड्स में एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं मोनोसाइटिस एंड ग्रिगेरिना एंड कोकिडिया में ये जो होता है ये पैरासाइट होता है इनवर्टिब्रेड्स एंड वर्टिब्रेट्स में रिम्बर ग्रीगनीरिया जो होता है वो इनवर्टिब्रेट्स में पैरासाइट होता है बट कोकिडिया जो है इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रट्स दोनों में पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसका एग्ज़ाम्पल आता है प्लाज्मोडियम जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस स्लाइड में शो किया था फाइन ये जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ग्रेगिराइन स्केच जो यहाँ पर गिवन है दिस इज द एग्ज़ाम्पल फाइन लास्ट देखिए नीडो इस्पोरा नीडो इसपोरा इसकी क्लास जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अब आप सोचोगे नीडो इसपोरा कहाँ से आ गया ओके okay? जो मैंने आपको लास्ट स्टार्टिंग में जो मैंने आपको चार सब फाइलम बताए थे सार्कोमेस्टिकोपोर हुआ इस्पोरज सीलियो इस्पोरा एंड निडो तो जो सीलियो तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट होता है ये इसका निडो तो इनमें दो इनमें प्रेजेंट होते हैं तो आप देख सकते हैं मिक्सो एंड माइक्रो ये जो मिक्सो होता है इनमें जो स्पोर्स होता है वो लार्ज साइज प्रेजेंट होता है बट माइक्रो में स्मॉल पोल स्मॉल स्पोर साइज प्रेजेंट होता है जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया फाइन इनमें जो ईच स्पोर होता है मैनी न्यूक्लियस बहुत सारी न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है एंड इनमें जो स्पोर्स होता है वो सिंगल न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं मिक्सीडियम एंड इसमें एग्जाम्पल होता है नोसीमा ओके सो now टाइम टू remember ऑल द ऑल द थिंग्स विच वी now देखिए अब तो हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में अभी तक हमने इनके बारे में पूरे कैरेक्टिक्स के बारे में डील किया बट अब हम बात करेंगे इसके प्रोटोजोआ के पूरे आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको इन इन सारी चीज़ों को पूरा शॉर्ट में समअप किया है ओके तो देखिए सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा स्पोरोजोआ नीडो एंड सीलियो मैं आपको इसको ज़ूम आउट करके दिखाती हूँ जिससे कि आपको इजीली ये समझ में आ सके देखिए प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ चार सब फाइलम में डिवाइड होता है फर्स्ट सार्कोमेस्टिगोफोरा स्पोरोजोआ नीडो इस्पोरा एंड सीलियो ओके इनके बारे में मैंने आपको पूरा जो है कम्पेटिव स्टडी इनकी बता दी है नेक्स्ट साल को मेस्टिकोफोरा की मैं बात करूँ तो ये तीन सुपर क्लासेस में डिवाइड होता है दैट इज मेस्टिकोफोरा मेस्टिको सॉरी मेस्टिकोफोरा ओपेलिना एंड राइजोपोडा ओके जस्ट मिनट तो हमने बात कर ली मेस्टिकोफोरा ओपिलिना एंड राइजोपोडा जो ये जो राइजोपोडा होता है इसको सार्कोडिना के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए मेस्टिकोफोरा अगेन मेस्टिकोफोरा क्लासेस में डिवाइड होता है दो फाइटोमेस्टिकोफोरा एंड जू मेस्टिकोफोरा फाइन जो फाइटोमेस्टिकोफोरा होता है जस्ट अ सेकेंड गाइस तो हम बात कर रहे थे ये फाइटोमेस्टिकोफोरा एंड जोमेस्टिकोफोरा फाइडोमेस्टिकोफोरा में चार ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं क्रिप्टोमोनीडिना यूगलिडा एंड वॉल्वोसिडा एंड डायनोफ्लैजिडा तो आप देख सकते हैं इनका जो एग्जाम्पल्स है इनके ऑर्डर से सिमिलरिटी शो कर रहा है मींस क्रिप्टोमोना जो है उसका ऑर्डर है क्रिप्टोमोनीडिया क्रिप्टोमोनीडिना युगलिना का है यूगलिनी एंड वॉलोक्स एंड क्लेमाइडोमोनास का है वॉल्वोसिडा एंड नॉक्टिलियोका का आपको याद करना है जो कि डाइनोफ्लेजीडा का है एग्जाम्पल है नेक्स्ट देखिए इस्पोर नेक्स्ट देखिए ओपेलिना ओपेलिना में मैंने आपको बता दिया है ओपेलिना इसका एग्जाम्पल होता है थर्ड देखिए राइजोपोडा इसमें एक्टिनोपोडिया एंड पिरोप्लाज्मा एंड राइजोपोडिया इनमें इस के सब क्लास इसके सॉरी क्लासेस हैं राइजोपोडिया जो होता है इसमें दो ऑर्डर इंक्लूड हैं फर्स्ट इज़ अमीबिडा एंड एन सेलिनिडा अमीबिडा में अमीबा इसका एग्जाम्पल है एंड आर सेलाइस का एग्जाम्पल है लास्ट देखिए सेकेंड वन इज इस्पोरोजोआ स्पोरोजोआ की को जो है दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है फर्स्ट इज़ टोक्सोप्लाज्मा एंड हेप्लोस्पोरिया, ओके टोक्सोप्लाज्मा में हमने एग्जांपल देखा था टोक्सोप्लाज्मिया का एंड हैप्लोस्पोरिया का जिसमें कि एग्जांपल हमने देखा था इसका एक्थियोस्पोरीडियम का नेक्स्ट लास्ट देखिए इसका टिलोस्पोरा टिलोस्पोरिया में हमने दो पढ़े ग्रिगन एरिया एंड कोकेडिया फर्स्ट इज मोनोसाइट्स इन ग्रीगेन एरिया एंड सेकेंड इज प्लाज्मोडियम इसका एग्ज़ाम्पल हमने देखा फाइन लास्ट देखिए नीडो इसपोरा नीडो में मैंने आपको बताया था इसकी क्लासेस होती है मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया इसमें एग्जाम्पल आता है मिक्सीडियम का एंड सेकेंड इज माइक्रोस्पोरिडा का आता है इसमें नोसीमा का एंड लास्ट इज सीलोस्पोरा सिंगल फाइलम होता है सो so, आज हमने एंड नाव देखिए अब इसके मैं आपको बताती हूँ इसकी ट्रिक्स के बारे में ओके नाउ देखिए इसकी ट्रिक्स के में बारे में अगर आपसे बात करूं जस्ट सेकेंड देखिए फर्स्ट देखिए इसकी ट्रिक्स है सार्कोमेस्टिकोफोरा इस्पोरजा निडो इस्पोरिया एंड सीलियो इस्पोरिया इसकी देखिए आप देखिए एस एस सी छोड़ो ओके एस जस्ट मिनट एस एस सी छोड़ो ओके okay. एस का मीन्स सार्कोमेस्टिकोफोरा अनदर एस का मीनिंग होता है स्पोरोजोआ एन सी N, C का मीन्स नीडो एस्पोरा एन सी का मीन्स छोड़ो एस एस सी छोड़ो नेक्स्ट इस एम एस सी और रेलवे पर ध्यान दो तो. ओके डो नॉट टेक दिस कोड पर्सनली ओके या पर्सनली कोई कोड को नहीं लीजिएगा बिकॉज ये मैंने ओनली इजीली याद करने के लिए आपको बताया है तो देखिए सार्को ये क्लियर हो गया होगा आपको सार्कोमेस्टिको फोरा का एस एस सी छोड़ो एम का मतलब एम एस सी ओ का मीनिंग है और एंड्राइजोफोरा का मीनिंग है रेलवे एस एस सी छोड़ो एम एस सी और रेलवे पर ध्यान दो फिर ज़ुलॉजी सॉरी फिर ज़ू में मस्ती करो ओके एस एस सी छोड़ो एम एस सी और एम एस सी और रेलवे पर ध्यान दो फिर ज़ू में मस्ती करो तो ये जो है इसका कोड बनता है सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा एंड ये जो मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड किया है इस चार्ट के थ्रू आप इजीली चीज़ों को याद रख पाएंगे एंड जिस तरह से कंपेटिव स्टडी आपको बताई है वो इजीली आपको याद रह पाएगी सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो